ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मेरे कुछ दोस्त हैं और जिन्होंने कहा कि तस्खीरे अरवा पर आप कोई वीडियो बनाएं। तस्खीरे अरवा एक बहुत बड़ा मौजू है और बहुत अहम मौजू है। अब इसमें अरवाए फुफसा भी हो जाती हैं और अरवा सालिहा भी हैं, तो लेकिन हम हमेशा तवज्जो देते हैं अरवाए सालिहा की तरफ जो कि नेक और पाक रूह हैं। आपको इस टॉपिक पर मैं कुछ बताने से पहले ये कहूँगा हमेशा की तरह से कि आप वीडियो को आखिर तक देखें, इसको फॉरवर्ड करके ना देखें ताकि आपको पूरी बात सही तरह से समझ में आ जाए। तो और इस वीडियो के शुरू करने से पहले, आपको वो वजीफ़ा बताने से पहले मैं एक वाक्या बताता हूँ। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं और बहुत बड़े माहिर रूहानियात गुजरे हैं, मोहम्मद रफ़ीक ज़ाहिद साहब लाहौर में होते थे। मुझे उनसे ख़ास मोहब्बत थी और तिलस्मात पर उन्हें बहुत अबूर था। इब्रानी और सिरियानी ज़ुबान के माहिर थे, उनकी कई किताबें हैं तिलस्मात पर ज़्यादा। और जो लोग तिलस्मात को जानते हैं या उनको तिलस्मात से मोहब्बत है या वो चाहते हैं कि कुछ तिलस्मात में, तो वो लाजमी तौर पर अल्लामा मोहम्मद रफ़ीक ज़ाहिद साहब के नाम से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। हुआ यूँ कि बहुत अरसा पहले की बात है कि मैं मुल्तान से अमूमन लाहौर जाता था और कुछ वक्त उनके पास गुजारता था और फिर वापस आ जाता था। तो उनको इस बात से एक ख़ास ख्याल आया मेरे लिए। उन्होंने कहा, बेटा आप आते हैं और आप हर जुमे को इतना सफ़र करके आते हैं, सिर्फ 2-3 घंटा मेरे पास बैठते हैं। उन्होंने जी ठीक है, प्यासा ही कुएँ के पास आता है, तो ऐसा तो नहीं कि कुआँ चल कर प्यासे के पास आए, तो लिहाजा आप इस चीज़ को। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको एक ख़ास तोहफ़ा देता हूँ, आप मेरी रूह को मुसख़र कर लें, जबकि वो अभी हयात थे। तो फिर उन्होंने एक वजीफ़ा बताया और उनकी एक किताब है तिलस्मात रफ़ीक, उसमें भी ये वजीफ़ा था, लेकिन उसमें वजीफ़ा ये कुछ तब्दीली के साथ था जो उन्होंने बताया। वो वजीफ़ा फिर मैंने किया तो हैरत अंगेज़ तौर पर वो उनकी रूह मौजूद होती थी मेरे पास और जो कुछ भी वो तालीम करते थे मैं अपने पास महफूज कर देता था। और फिर उसके बाद दुनिया से पर्दा करने के बाद अल्लामा मोहम्मद रफ़ीक ज़ाहिद साहब की रूह अक्सर व बेशतर मेरे पास आ जाती थी उसी वजीफ़े की बरकत से। तो ये वो वजीफ़ा है कि आप जो दुनिया से पर्दे कर चुके हैं उनको ही नहीं बल्कि जो हयात हैं उनकी रूह को भी मुसख़र कर सकते हैं और उसको भी तस्खीर कर सकते हैं अपने कामों के लिए। अब वजीफ़े की तरफ आते हैं। वजीफ़ा है सूरह कद्र, आप लोगों ने ज़रूर पढ़ी होगी जो कुरान पाक पढ़ना जानते हैं। सूरह कद्र को असल में कुरान पाक हम जब भी पढ़ते हैं उसको तफसीर के साथ, उसके मायने मफहूम के साथ नहीं पढ़ते, बस ऐसे ही तोते की तरह से रट्टे लगाए चले जाते हैं। तो सूरह कद्र का जिस वक्त हम तर्जमा करते हैं और पढ़ते हैं तो उसमें एक आयत आती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराक मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह। अब यहाँ से इस आयत को गौर करना है, तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिही मिन कुल्लि अम्र सलामुन, यहाँ तक तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिही मिन कुल्लि अम्र सलामुन। आगे जो आयत है हत्ता मतलाइल फजर, इस आयत को नहीं पढ़ना, यहीं से आप स्टार्ट करेंगे, तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिही मिन कुल्लि अम्र। अब यहाँ पर जिस वक्त आएंगे तो फिर आपने या रूहुल कुदूस फलां बिन फलां हाजिर हो, ये आपने पढ़ना है और इसी को 108 बार पढ़ना है, यानी कि या रूहुल कुदूस फलां बिन फलां की जगह जिसको आपने, जिसकी रूह को आपने बुलाना है आपने ये पढ़ना है मुकम्मल तवज्जो के साथ, यकसुई के साथ आप बैठें, बंद कमरे में बैठें, कमरा मुअत्तर हो अच्छी तरह से और अगरबत्तियाँ लगी हुई हों और सफ़ेद चादर हो, तो आप देखेंगे कुछ वक्त के बाद ही रूह का नज़ूल वहाँ पर हो जाएगा। अगर आप में हिम्मत ताकत है उनसे बातचीत करने की तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, वो फेस टू फेस बैठे होंगे, आप ये वजीफ़ा है ऐसा और ताकतवर है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात है कि आपकी रूहानी कुव्वत कितनी है,
अगर आपकी रूहानी कुव्वत ज़्यादा है, आपका रूहानी मेयार बुलंद है, तो फिर आपको ज़ाहिर तौर पर वो नज़र आएंगी। वरना ये है कि आपको ज़ाहिर गायब तौर पर वो आपके काम करते रहेंगे और आपसे बातचीत भी होगी, और बातचीत किस अंदाज से होगी। कहा जाता है कि नींद आधी मौत है। अब जिस्म की मुलाकात जिस्म से, अगर जिस्म और रूह आपकी ताकतवर है, फिर आप रूहानी तौर पर ज़ाहिरी भी चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रूहानी कुव्वत इतनी नहीं है, तो फिर नींद की हालत में तो वो रूह भी उस वक्त आपकी बेदार हो गया। अब रूह की मुलाकात रूह से हो सकती है नींद की हालत में। तो लिहाजा जब ये आप पढ़ लें और फिर उसके बाद आपने दुआ करनी है अल्लाह ताला से, कि बारी ताला के इस रूह को फौरी तौर पर ज़मीन पर भेज दे और मैं इससे कुछ मामला चाहता हूँ। तो ऐसा भी हुआ है कि वो रूह खुद ब खुद ज़ाहिर होती है और फिर आप उनसे मालूमात कर सकते हैं। और ऐसा मैं अपने, ये मेरा ज़ाती मुजर्रब है और एक नहीं कई बार का मुजर्रब है। तो कुछ अरबाज से मुलाकात हुई जो जा चुके थे दुनिया से, और फिर उनसे हाल अहवाल भी हुआ। और इसी तरह से आप भी ये कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुखलिस हैं, आप मेहनत करना जानते हैं और आप मेहनत कर सकते हैं, तो फिर इस वजीफे की मेरी तरफ से आम इजाज़त है। लेकिन जो लोग तजर्बा चाहते हैं, या जिसको ज़रा भी शक शुबा है, या जो लोग कहते हैं तजर्बा हम करके देखेंगे, तो फिर वो सारी उम्र वो लोग तजर्बे ही करते रहते हैं, उन्हें कामयाबी नहीं। तो जिस शख्स का ईमान कामिल होगा, यकीन कामिल होगा, तो उसको ही मंजिल मिलती है। और शक शुबा करने वाला या तजर्बा करने वाला हमेशा भटकता ही रहता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसमें अव्वल आखिर दरूद पाक है, 5 बार पढ़ेंगे, और फिर अगर आप उस रूह को कुछ इसाल कर दें और कुछ फातिहा दिलवा दें किसी भी मीठी चीज़ पर, तो आपको उस रूह से ज़्यादा फ़ायदे मिल सकते हैं और उस रूह की नस्बत आपसे ज़्यादा हो सकती है। और ये आज की वीडियो थी। आप इस वीडियो को गौर से सुने एक बार, अगर बात नहीं समझ में आई, आप कॉपी पेंसिल ले लें और आप पॉइंट वाइज इसके पॉइंट्स को लिखते जाएं, तो आपके पास पूरी ये वीडियो के एक निचोड़ आपके पास होगा। और इसी तरह से हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो हैं, आप उसका टॉपिक लिखकर उसके पॉइंट वाइज 1, 2, 3 के साथ लिख दें, तो फिर आपको बार बार वो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखे। आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि ये नेकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अल्लाह ताला हम पर अपना करम फरमाए। अल्लाह हाफिज़। पहले आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएँ, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके। ए मुरसल।